सुबह 6 बजे और 7 बजे के बीच में, ठंड है, ठंड के अनुसार सिचुएशन को देखते हुए हम लोग करेंगे। और उद्घाटन में हमारे माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी उद्घाटन करेंगे और समापन के समय भी वही है। समापन गोविंद हाई स्कूल मैदान में 11 बजे का रखा गया है। आधा घंटा इधर उधर हो सकता है दौड़ के अनुसार, 23 को ही 11 घंटा या 5 घंटा में जितना देर में कंप्लीट हो जाए, मतलब वही 11 के आसपास ही समापन समारोह का टाइम रहेगा। इस प्रतियोगिता में जितने भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, एक हमारे मंत्री जी का थीम है खेलो गढ़वा, उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रतिभागियों को नगर परिषद गढ़वा के द्वारा जितने भी प्रतिभागी आ रहे हैं सभी को टी शर्ट दिया जा रहा है, जो कि हम लोगों को आयोजन समिति को उपलब्ध करा दी गई है। और भैया कुछ है, सभी आए हुए खिलाड़ियों को, बाकी पहले हम लोग जानकारी दे ही दिए हैं कि जितने भी बहुत से खिलाड़ी हैं पाकुड़ साहेबगंज पटना होकर गढ़वा आ रही हैं काफ़ी लंबी दूरी से, लेकिन सभी के लिए हम लोगों ने स्टेशन पर बस स्टैंड पे सभी के लिए बस की व्यवस्था हमने की है। वो सारी कमिटियाँ हमारी कंप्लीट है। रहने की व्यवस्था भी हम लोग सारा धर्मशाला में किए हुए हैं और गोविंद स्कूल मैदान में भी किए हैं। सारे खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कल 11 बजे से, जो एज वेरिफिकेशन होता है जहां उनको बीब नंबर अलॉट की जाएगी, वो गोविंद हाई स्कूल में 11 बजे से चालू हम लोग करेंगे। रजिस्ट्रेशन है, कौन कहां से किया है वो आज डॉक्यूमेंट्स हम लोग का आ जाएगा। तो कितने लोग पहुँच पाते हैं, कुछ लोग अगर मान लिए बहुत दूर दूर के, हमारे यहाँ रेलवे का जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा रूट का प्रॉब्लम है, अगर लेट से भी आएंगे तो उनको हम लोग खेलने का मौका देंगे, वंचित नहीं करेंगे। और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे जगह से आ रहे हैं कि जहां हम सोचे भी नहीं थे कि वहां से बच्चे आ जाए। ये सब ऑनलाइन का कमाल है, जो हमारे संघ के अध्यक्ष माननीय मधुकांत पाठक जी का सोच है कि प्रतिभागी जो हैं वो गांव-गांव से आ जाए, क्योंकि अगर जिला में कोई भी जैसे हम भी अगर टीम सेलेक्ट करते हैं तो मीडिया के माध्यम से जानकारी दे देते हैं और 50-100 बच्चे आ जाते हैं और उनमें ट्रायल करके 20 बच्चों को हम भेज देते हैं, लेकिन बाकी ज़िले में और भी बहुत सा प्रतिभा हैं जो कि वंचित हो जाते हैं। उद्देश्य यही है ऑनलाइन का। यहाँ गढ़वा में हो रही है, इसी के आधार से झारखंड राज्य की टीम चयनित की जाएगी, सिलेक्ट होंगे और अगले महीना यानी जनवरी में नागालैंड में होने वाला है उस प्रतियोगिता, 15 जनवरी को उस प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से झारखंड के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है हम लोग 23 तारीख को ही यहाँ अनाउंसमेंट कर दें सभी खिलाड़ियों को का जिसका चयन हुआ है, बाकी प्रकार का